नमस्कार, गोरखपुर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में हुए सम्मिलित। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। रविवार को प्रहता जनता दर्शन करने के उपरांत बलिया के लिए करेंगे प्रस्थान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले सीएम योगी। कहा, बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है सरकार। शोध चिकित्सकों की जिम्मेदारी, लैब व लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रहे मेडिकल स्टूडेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पता लगाएं बीमारियों का कारण। रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बाधित किया तो बिछड़ जाएंगे हम। हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पारण के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आंवला पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सहभोज का किया गया आयोजन। परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष गोरक्षपीठाधीश्वर की उपस्थिति में होता है सहभोज। गोरखपुर के उद्यमियों व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। कहा, गोरखपुर सिर्फ एक शहर का नहीं है नाम, गोरखपुर है व्यापार का बड़ा केंद्र। गोरखपुर को बनाएंगे निवेश का बेहतरीन गंतव्य। और पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के तत्वाधान में 4 से 10 नवंबर तक खेली जा रही 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 प्रतियोगिता के दूसरे दिन पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व रेलवे और दक्षिण रेलवे ने जीते अपने अपने मैच। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लगभग 12 बजे बाबा राघवदास बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित हुए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पारण के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में साधना भवन के सामने स्थित आंवला पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत रूप से होने वाले सहभोज में सम्मिलित होने के बाद अपराह्न लगभग 4 बजे सीएम योगी एनएक्सी भवन सभागार में उद्यमियों व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों संग संवाद किया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। रविवार को प्रातः जनता दर्शन करके सुबह 10:30 बजे बलिया के लिए प्रस्थान करेंगे। बलिया में चंद्रशेखर उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसके लिए वह बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है। बीमारी का सिर्फ इलाज ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें बीमारी के मूल कारणों का भी पता लगाना होगा, ताकि उसे पनपने से ही रोका जा सके। इस संदर्भ में चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि वह इलाज करने के साथ ही शोध अनुसंधान को बढ़ावा दें। सरकार इस दिशा में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देगी। सीएम योगी शनिवार को बाबा राघवदास बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इंसेफ्लाइटिस को लेकर किए गए अपने संघर्ष का स्मरण करते हुए कहा कि 1998 से इस मुद्दे पर जन आंदोलन खड़ा किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह थी कि इंसेफ्लाइटिस पर एक भी रिसर्च पेपर नहीं था। चिकित्सकों के लिए एक एक मरीज शोध का केंद्र होता है, वे अपने दैनिक कार्यों को करते हुए शोध को आगे बढ़ा सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा के छात्र लैब और लाइब्रेरी तक ही सीमित ना रहें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बीमारी का कारण पता करें, रिसर्च पेपर तैयार करें, पास आउट डॉक्टर्स अपने अनुभव के आधार पर रिसर्च पेपर बनाएं, राज्य सरकार उनके अनुभवों और सुझावों को देखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों से सरकार की अपेक्षा रहती है कि चिकित्सक बेहतरीन कार्य करें और नए शोध को आगे बढ़ाएं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बाधित किया गया तो हम पिछड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर व फैकल्टी का अभाव नहीं है, जरूरत इसके अनुरूप पाठ्यक्रमों के संचालन व शोध कार्यों को बढ़ावा देने की है। इस पर ध्यान देकर बेहतरीन परिणाम हासिल किया जा सकता है। शोध से हम समूचे चिकित्सा व्यवस्था को नई ऊंचाई दे सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम सब ने सदी की महामारी कोरोना को देखा है। संवेदनशील व्यवहार व समय पर लिए गए निर्णय के दम पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया के सामने कोरोना प्रबंधन का शानदार मॉडल प्रस्तुत किया है। अमेरिका और यूरोप भले ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे हों, लेकिन कोरोना प्रबंधन में भारत उनसे बहुत आगे रहा है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन वहाँ कोरोना से दुगनी मौतें हुई हैं। यूरोप में भी मौत के आंकड़े चौंकाने वाले थे। देश की 135 करोड़ आबादी पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना की आहट के साथ ही तैयार थी। प्रधानमंत्री ने न केवल कोरोना के मुफ्त उपचार, जांच व वैक्सीन की व्यवस्था की, बल्कि महामारी के साइड इफेक्ट भुखमरी से भी देश को बचाया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही दिया गया। उन्होंने कोरोना के उपचार व रोकथाम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की भी सराहना की। कहा कि टीम वर्क से बड़ी महामारी को हराया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रबंधन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसके मॉडल को हम दैनिक जीवन में भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977-78 में जापानी इंसेफ्लाइटिस का पता चला। 2017 तक लगातार 40 वर्षों तक इससे होने वाली मौतों का सिलसिला जारी रहा। जापान में इसकी वैक्सीन 1905 में ही बन गई, लेकिन गोरखपुर आने में इसे 100 साल लग गए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कोरोना काल के दौरान महज 9 माह में 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1998 में वो पहली बार सांसद बने, पूर्वी उत्तर प्रदेश की त्रासदी इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा सदन में उठाया, सड़क पर उतरकर सरकारों को निरंतर घेरता रहा, लोगों को साथ में लेकर इसे जन आंदोलन बनाया। 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हो जाने के बावजूद शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगता था। जुलाई से लेकर नवंबर तक इंसेफ्लाइटिस के नाम से ही लोगों में कपकपी होती थी। जो मरीज बच भी जाते थे वे शारीरिक व मानसिक दिव्यांगता के शिकार हो जाते थे। 2017 में प्रदेश का दायित्व मिला तो इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए अंतर विभागीय समन्वय की कार्य योजना बनाई, स्वच्छता पर फोकस किया, उन घरों व गांवों को चिन्हित किया गया जहां प्रायः इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप होता था, शौचालय व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, सीएचसी व पीएचसी को मजबूत करने के साथ ही सर्विलांस पर ध्यान दिया गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मिले अनुभव को ध्यान में रखकर सरकार ने टीम भावना से कार्य किया और आज इंसेफ्लाइटिस 95% तक कंट्रोल में है। यह खुद में एक मॉडल है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसेफ्लाइटिस व संचारी रोगों को ध्यान में रखकर वर्ष 2016 में गोरखपुर आकर यहां एम्स की सौगात दी। अब जरूरत है एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एम्स से कम सुविधाएं नहीं हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूरे देश में इकलौता मेडिकल कॉलेज है जिसके कैंपस में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोई कमी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि कभी गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल में एकमात्र मेडिकल कॉलेज के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही था। आज देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर व सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। महाराजगंज में भी पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेकर किए गए अपने संघर्ष को याद कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। बताया कि 30 वर्षों से वह इस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं, इसकी दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने लंबे अरसे तक उपेक्षा का दंश झेला है, इसके अस्तित्व पर ही संकट था। हुक्मरानों का रवैया ऐसा था कि पहिए लगे होते तो यह मेडिकल कॉलेज कहीं और शिफ्ट हो गया होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं और बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के बेहतरीन केंद्र के रूप में उभरा है। सीएम योगी ने कहा कि विशिष्टता को अपने तक सीमित रखना उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसका लाभ समूचे समाज को मिलना चाहिए। चिकित्सा का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहता है, इसी कारण उसे धरती पर भगवान की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने आह्वान किया कि लोगों की इसी भावना के अनुरूप चिकित्सक अपने ज्ञान व अनुभव का फैलाव करें। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से पास आउट छात्रों से मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आप यहां पढ़ते रहे होंगे तब गोरखपुर छोटा सिटी था, आवागमन की सुविधा बहुत ख़राब थी, ट्रेनों की संख्या कम थी, एयर कनेक्टिविटी की व्यवस्था नहीं थी, मेडिकल कॉलेज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर व सुविधाओं का अभाव था। इंसेफ्लाइटिस वार्ड में एक बेड पर 4 मरीज पड़े होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को सीमित साधनों में मेहनत करते देखा है। वार्डों में पंखे नहीं थे, बदबू आती थी, उन्हें खुद यहाँ के वार्डों का जायजा लेने के दौरान मुँह पर गमछा बांधना पड़ता था।
पर स्वर्ण जयंती समारोह में आने पर आप सबने बदलता गोरखपुर और बदलता मेडिकल कॉलेज देखा होगा। मेडिकल कॉलेज आने के लिए 4 लेन की सुविधा है। गोरखपुर से सभी प्रमुख शहरों के लिए 14 फ्लाइट से कनेक्टिविटी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन चुका है। इस बदलती तस्वीर से गोरखपुर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को नई पहचान मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि कोई व्यक्ति हो या संस्था, 50 साल का कार्यकाल मायने रखता है। उन्होंने भारतीय मनीषा के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के लिए 4 आश्रमों, गुरुकुल, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की सारगर्भित व्याख्या करते हुए कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज अब आश्रम व्यवस्था के 3रे चरण में आ चुका है। अब अपने ज्ञानार्जन को समाज के प्रति समर्पित करने की बारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा की पहचान कृतज्ञता ज्ञापन के लिए है। यह एक प्रकार का यज्ञ है, सिर्फ धार्मिक कर्मकांड ही यज्ञ नहीं है। माता पिता, शिक्षक का सम्मान, संस्था के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना भी यज्ञ है। संस्थान के प्रति हमारा भाव पवित्र मंदिर सा होना चाहिए। शिक्षण संस्थान केवल भवन के टुकड़े नहीं होते, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले जीवंत स्मारक होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहचान विश्वसनीयता व स्वीकार्यता से होनी चाहिए। एक मरीज दूर से चिकित्सक का नाम लेकर शहर में आता है, उस दिन मुलाकात ना होने पर रात में कहीं रुककर अगले दिन तक इंतजार करता है। विश्वसनीयता को बनाए रखने की जिम्मेदारी चिकित्सक की खुद की होती है। उन्होंने आह्वान किया कि मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की पहचान उनके कार्यों से हो, उनके रिसर्च व उपलब्धियों से हो। राघवंश को इसके लिए संकल्प लेना चाहिए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्ण जयंती द्वार मेन गेट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके हाथों फार्मेसी एवं नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के लिए डबल सीटेड 100 कमरों के हॉस्टल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी हुआ। स्वर्ण जयंती द्वार का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन का कायाकल्प कर चुकी है। इसी के तहत सरकार ने अगले 5 साल में हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। अभी तक राज्य में सिर्फ 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज थे, 7 नए खोले गए हैं और शीघ्र ही 11 और खुल जाएंगे। श्री पाठक ने कहा कि विगत दिनों मिशन निरामय लॉन्च करने के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। सीएम योगी का प्रयास है कि प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। 75 जनपदों में अब सिर्फ 14 जनपद ही मेडिकल कॉलेज से आच्छादित होने से रह गए हैं। इन जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की कार्ययोजना तैयार हो रही है। सरकार हर मरीज को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक यह संकल्प लें कि किसी मरीज को दूसरे सेंटर तभी रेफर करेंगे जब उसकी बीमारी के इलाज के संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, और इस संकल्प की शुरुआत बीआरडी मेडिकल कॉलेज से होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने छात्रों व चिकित्सकों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज को चिकित्सा शिक्षा व सर्वोच्च संस्थान बनाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र लंबे दौर तक जानलेवा बीमारी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित रहा है, लेकिन सीएम योगी के नेतृत्व में 5 साल में ही इंसेफ्लाइटिस का खात्मा हो गया। स्वागत संबोधन करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने कॉलेज की प्रगति यात्रा और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में विगत 45 वर्षों में जो कार्य नहीं हो सके थे, वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में महज 5 साल में पूरे हो गए। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, राजेश त्रिपाठी, श्रवण निषाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, स्वर्ण जयंती समारोह आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर अमित मिश्रा आदि मौजूद रहे। समारोह के दौरान सीएम योगी व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह व अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के पहले बैच के शिक्षकों व छात्रों को सम्मानित भी किया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह एवं 1997 बैच के रजत जयंती समारोह में डेलीगेट डॉक्टर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ODOP उत्पाद गिफ्ट स्वरूप में मिले। गिफ्ट हैम्पर में मुरादाबाद की ODOP में शामिल पीतल का
नक्काशीकृत बाउल वाराणसी की ODOP में शामिल बनारसी सिल्क का अंगवस्त्र था। डेलीगेट डॉक्टर्स को दिए गए इस गिफ्ट से ODOP की ब्रांडिंग और मजबूत हुई। मुख्यमंत्री की तरफ से मिले ODOP गिफ्ट से डेलीगेट डॉक्टर्स बेहद प्रफुल्लित थे। उनका कहना था कि यादगार अवसर पर मुख्यमंत्री की तरफ से उपहार मिलना अभिभूत करने वाला है। यह गिफ्ट अब उनकी पर्सनल कलेक्शन का हिस्सा रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, डॉक्टर स्मिता जायसवाल, लखनऊ से आए हुए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जलोटा, लखनऊ से आए हुए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्ञान चंद दुबे तथा मेडिकल कॉलेज के प्रथम प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर सेठ ने कहा। मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मैं शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा श्री फतेह बहादुर सिंह माननीय विधायक कंपेयरगंज पालन कर श्री प्रदीप शुक्ल माननीय आपका स्वागत है। कार्यक्रम के अमित मिश्रा जी सर स्वागत है। स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी समाज सेवी बाबा राघव दास के नाम पर स्थापित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर देश के 75वें अमृत महोत्सव काल में अपने 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। इस अवसर के मुख्यमंत्री हम सभी के प्रेरणा को परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस महत्वपूर्ण स्वर्णिम अवसर पर प्रदेश के लोकप्रिय SSP ऊर्जावान प्रणवमयी व्यक्तित्व की कृपापूर्ण उपस्थिति विशाल भक्त है। आपका इस नए मार्गदर्शन हम सभी प्रदेशवासियों को खासकर इस महाविद्यालय को सदैव मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। अपनी एवं पुरातन छात्राओं तथा संस्था परिवार की तरफ से मैं सहृदय आपका नमन एवं अभिनंदन करता हूँ। के बाद ये पुस्तिका बनी है और आप सब इसे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की पुरानी स्मृतियां वापस आ जाएंगी। BRD मेडिकल कॉलेज केवल गोरखपुर के लिए नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। आज हम सब धूमधाम के साथ स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। इन 50 वर्षों में BRD मेडिकल कॉलेज ने कई नए पायदान तय किए हैं। BRD मेडिकल कॉलेज ने केवल पूर्वांचल ही नहीं नेपाल और बिहार के मरीजों की भी उत्कृष्ट सेवा में अपना योगदान किया है। मैं BRD मेडिकल कॉलेज के पूरे व्यवस्था से जुड़े सभी साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ के स्टूडेंट को उच्च कोटि की शिक्षा मिले, हमारी सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा होती है कि हर जिले में बेहतर मेडिकल कॉलेज हो, हमें उस दिशा में सफलता मिली है। अब हमारे पास 75 जनपदों में मात्र 14 जनपद बचे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की कार्रवाई अभी हम प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। PP बोर्ड पर वहां भी शीघ्र बनाएंगे, लेकिन बताने में प्रसन्नता है कि गोरखपुर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव और चिंता रहती है। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, यहाँ की फैकल्टीज के बारे में, यहाँ के उपकरणों के बारे में, विशेष रूप से स्टूडेंट्स की सुविधा
चुनाव के बारे में लगातार मुख्यमंत्री जी चिंता करते रहते हैं। हर सदन के पास ये काम रहता है कि गोरखपुर पूर्वांचल के लिए अलग से जरूर चीज किया जाए, क्योंकि सर्वाइटिस कौन सब जानते हैं। जीआई एंडोस्कोपी की इसका शुभारंभ सर ने ही किया, बेहतरीन शल्य चिकित्सक एवं शिक्षक। उनके व्यक्तित्व एवं बोलने की शैली से हम सभी प्रभावित रहते थे, बहुत ध्यान से सुनते थे और आधे से ज्यादा लेक्चर तो हम लोग को क्लास में ही याद हो जाते थे। 1975 बैच के सौदान सिंह सर ने अपने कार्यशैली से बहुत नाम कमाया। इस कॉलेज में भी एक प्रिंसिपल की तरह से 2005 में कार्यरत रहे प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी। बुलाना चाहूंगी बुल्ला कोटी सर को, और 2015 में डायरेक्टर जनरल हुए रेलवे हेल्थ सर्विसेज में। हमारे बीच में पंकज अग्रवाल जी हैं और इन्होंने हिंदी में बहुत सारी मेडिकल पुस्तकें लिखी हैं। थायराइड ग्रंथ ही एक नई पुस्तक है। इस क्वालिफिकेशन या अभिज्ञान के बाद सूचना विभाग का एक वीडियो है जो 3 मिनट का है, उसका प्रसारण कि वो बटन दबा के दो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण। वीडियो का प्रसारण अति शीघ्र किया जाए मेरा अनुरोध है। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के चहुंमुखी विकास का कार्य संभव हुआ है। वायरल रिसर्च का देश के किसी भी मेडिकल सेंटर में या मेडिकल कॉलेज में एकमात्र रीजनल सेंटर गोरखपुर के ध्यानी मेडिकल कॉलेज में। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उच्चीकरण से हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं मिली है। यहाँ प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सहित नेपाल, बिहार और समीपवर्ती राज्यों से बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए आते हैं। कोविड प्रबंधन में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने उपयोगी भूमिका निभाई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर फार्मेसी व नर्सिंग कॉलेज के बॉयज छात्रावास का शिलान्यास किया जा रहा है। करके दिखाई जो डबल इंजन की सरकार है वो कॉलेज गोरखपुर के स्वर्ण जयंती समारोह के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ल जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिम्बेश पासवान जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्यालोक कुमार जी, प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश कुमार जी, स्वर्ण जयंती समारोह के इस आयोजन की अध्यक्ष डॉक्टर रीना श्रीवास्तव जी, आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर अमित मिश्रा जी,
और आज के इस स्वर्ण जयंती समारोह के इस मुख्य समारोह में ज्ञानी मेडिकल कॉलेज से जिन चिकित्सकों ने अपनी शिक्षा ली और आज उसके इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं, ऐसे सभी ज्ञानी मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे आप सभी उपस्थित चिकित्सकों का, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स का, यहाँ की वर्तमान के सभी चिकित्सकों का, छात्र छात्राओं का, स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती रहे, इस विश्वास के साथ अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं सभी चिकित्सकों का जिन्होंने जो प्रथम बैच किए हैं, और मुझे देख करके यहां पे आश्चर्य हो रहा था कि प्रथम बैच से जुड़े हुए तमाम जो यहां से निकले हुए चिकित्सक हैं, 50 साल के बाद भी उनके अंदर जो जवानी दिखाई दे रही है, अरे भाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सचमुच पूरे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। भाइयों बहनों, व्यक्ति हो या संस्था, 50 वर्ष का कार्यकाल उसके जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। मनुष्य के ही जीवन में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये मानते हैं, सामान्यतः हमारी ये मान्यता होती है कि व्यक्ति 100 साल तक जिएगा, 50 वर्ष की उम्र तक पहुंचते वह व्यक्ति अपने सामाजिक और पारिवारिक बोझ से इतना दब चुका होता है कि उसके सामने आगे के ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और इसलिए भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से ही भारत की व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया। ये 4, पहला आश्रम जहां पर व्यक्ति अपनी स्वयं की शिक्षा दीक्षा में पूरा जीवन यापित करे, यानी वह समाज पे निर्भर रह करके कार्य करे। दूसरा आश्रम जहां पर उसे अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना है, और अपने पैरों पर खड़ा होते हुए समाज को भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान देना है। जैसे सामान्यतः हमारे यहाँ आश्रम की पद्धति में गृहस्थ आश्रम के रूप में मान लिया गया। तीसरा आश्रम ये वानप्रस्थ का माना जाता है, जहां पर व्यक्ति अब तक उसने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो कुछ भी अर्जित किया है, अब वह केवल अपने लिए नहीं, अब उसको समाज की तरफ ज्यादा उन्मुख होना है, समाज के लिए ज्यादा कार्य करना है। अब तक वो अपने परिवार तक सीमित था, परिवार के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा था, अब उसे समाज पर फोकस करना है और समाज के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ, देश के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ना होता है। और चतुर्थ आश्रम जिसे सामान्यतः संन्यास आश्रम के मान लिया जाता है, जिसका मतलब अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ समाज का है, राष्ट्र का है, और उसके लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य करना है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए तीसरा आश्रम प्रारंभ हुआ है, यानी अब तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज हमारे सामने चैलेंज था। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहा हूं,
और मैंने इस बात को महसूस किया है, मियाड़ी मेडिकल कॉलेज वो भिक्षा का धन जिला, यहां पर अस्तित्व का संकट भी खड़ा हुआ और एक समय तो ऐसा लगा मुझे कि हम लोग ये मानते थे कि अगर वास्तव में मेडिकल कॉलेज के यहां पर पहिए होते तो ये भी यहां से कहीं शिफ्ट हो गया होता, लेकिन आज बिहारी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है और अब एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए बिहारी मेडिकल कॉलेज को तैयार होना है और इसमें पुरातन और नवीन का बेहतरीन संगम इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर देखने को मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट काम किया है, लेकिन अपनी विशिष्टता को केवल अपने तक सीमित रखना ये उपलब्धि नहीं हो सकती। आपने जो कुछ भी किया है उसको समाज को समर्पित करने की बारी अब आ चुकी है। खासतौर पर जिन लोगों ने बिहारी मेडिकल कॉलेज अपने जीवन के भी 50 साल पूरे कर लिए हैं उनको अब समाज की तरफ उन्मुख इस रूप में होना है। एक चिकित्सक का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है, लेकिन अब हम अपने ज्ञान के इस प्रचार प्रसार को और तेजी के साथ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण अवसर आप सबके सामने होगा। आज चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया के अंदर बहुत कुछ नया हुआ है और नयापन तो देखने को मिला है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम सबने झेला है, देखा है, नजदीक से देखा है, महसूस किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का बिहारी मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा केंद्र था और बेहतरीन परिणाम भी बिहारी मेडिकल कॉलेज ने दिया। उन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में बीमारी का उपचार ही क्या उसका सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना महामारी ने हम सबके सामने ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समय से लिए गए निर्णय, टीम वर्क, और अगर हम थोड़ी सावधानी रख करके बचाव के उपाय पर ध्यान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें तो बड़ी से बड़ी महामारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और आपके सामने उदाहरण है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएस और यूरोप भारत से बहुत आगे है, लेकिन कोरोना प्रबंधन में भारत का परिणाम इनसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। आप सबने देखा होगा, मौत के आंकड़ों की काउंट नहीं की जा सकती, लेकिन जब हम कोविड प्रबंधन की ही बात करते हैं, 135 करोड़ की आबादी का भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की आहट के साथ ही अपने आप को तैयार कर चुका था। समय के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हरेक क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ संवाद, शासन को सक्रिय करना, प्रशासनिक मशीनरी को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में हम सब के सामने आया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं और उसका परिणाम भी हम सब के सामने आया। इतनी बड़ी आबादी के लिए फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करना, फ्री में उपचार की व्यवस्था करना, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना, केवल वैक्सीन की दो डोजेज ही नहीं, प्रिकॉशन डोज भी हर व्यक्ति को फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, और यही नहीं, हर महामारी हमेशा अपने पीछे कुछ अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ती थी, हर महामारी अपने पीछे भूखमरी लेकर के आती थी और पहली बार भूखमरी के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य भी अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। हम लोग भी इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार कार्य करते रहे और लगातार कार्य करते हुए
हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि समय से लिए गए निर्णय का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ सकता है, और पहली बार हुआ है खासतौर पर बियाड़ी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने यहां से डिग्री प्राप्त की है या जो यहां पर वर्तमान में कार्यरत है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इंसेफ्लाइटिस यहां 1977-78 में आया था, 1977-78 से लेकर के लगातार 2017 तक 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला यहां पर इंसेफ्लाइटिस के माध्यम से होती रही। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में आ चुका था और गोरखपुर पहुंचने में इसे 100 साल लगे हैं। 2005 में इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन गोरखपुर पहुंचा है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं दो दो वैक्सीन भारत को मात्र 9 महीने के अंदर प्राप्त हो चुके थे। यानी समय से लिए गए निर्णय, एक संवेदनशील व्यवहार और विशेषज्ञों की टीम के साथ संवाद का परिणाम किस रूप में सामने आ सकता है, यह कोरोना प्रबंधन हम सब के सामने देखने को मिलता है। और यही परिणाम, यही कारण रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप हमसे अच्छा रहा हो, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका में कोरोना से मौतें भारत से दुगुनी हुई है। यूरोप में भी इसी प्रकार के आंकड़े सामने, चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं। और इसलिए आप सभी इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा, हमें कोरोना प्रबंधन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कौन से ऐसे पक्ष थे जो हमारे अच्छे थे, जो कोरोना प्रबंधन को भारत को दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने में जिससे मदद मिली, और उसे हम दैनिक जीवन में भी किस रूप में दे सकते हैं, यह इसका एक माध्यम बनेगा। दूसरा, 1200 से 1500 के आसपास यहां पर बियाड़ी मेडिकल कॉलेज से पास आउट जो छात्र रहे हैं, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में अपने कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं। सचमुच आपका आगमन गोरखपुर के दिल से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जब गोरखपुर में पढ़ते रहे होंगे तो अब गोरखपुर छोटी सिटी थी, बियाड़ी मेडिकल कॉलेज सिटी से दूर था, और यही नहीं आवागमन की सुविधा भी बहुत खराब थी, ट्रेन की सुविधा लगभग ना के बराबर थी, एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का अभाव था। मुझे याद है जब 1998-99 में मैंने बियाड़ी मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया था इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को देखने के दृष्टि, एक एक बेड में चार चार मरीज भर्ती थे, बड़ी बदबू थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा जब आप स्वर्ण जयंती समारोह में देश से, दुनिया से, किसी भी देश से जब गोरखपुर में आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों के बाद गोरखपुर आए होंगे, आज आपको गोरखपुर बदलता हुआ दिखाई दिया होगा। बियाड़ी मेडिकल कॉलेज का मार्ग 4 लेन के मार्ग में बदल चुका है। गोरखपुर में देश के सभी प्रमुख स्थलों से वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। आज के दिन में गोरखपुर में 14 फ्लाइट आ रही है, एक गोरखपुर में आ रही है, ट्रेन की अच्छी सुविधा हो चुकी है, और बियाड़ी मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा, बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधा आपको मिली है, सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज यहाँ पर हम नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास और कॉलेज भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सीआरसी और नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी बियाड़ी मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।
ये सभी बदलती हुई तस्वीर के रूप में बिहारी मेडिकल कॉलेज को एक नई पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे मेरा अनुरोध होगा आप सबसे कि हमारा कुछ दायित्व हमारा भी बनता है। याद रखना कि हम सबको हमारे जीवन को हमारे भारतीय मनीषा ने इस रूप में तय करके रखा है कि भारतीय की पहचान ही इस बात के लिए होती है कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करना सीखे। और एक हर एक भारतीय का दायित्व बनता है, हर भारतीय इस बात को मानता है, जिसे हम सामान्य जीवन में यज्ञ मानते हैं। केवल धार्मिक कर्मकांड ही यज्ञ नहीं होता है, शिक्षण के साथ जुड़ना भी एक यज्ञ है, अपने माता पिता का सम्मान करना भी और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना भी अपने आप में यज्ञ है। जिस संस्था के प्रति, जिस संस्था ने हमें योग्य बनाया, एक योग्य चिकित्सा के रूप में देश और दुनिया के सामने एक पहचान दी है, उस शिक्षण संस्थान के प्रति, उस चिकित्सा संस्थान के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनके उस कार्यों के प्रति कि मुझे इस संस्था के प्रति से ये डिग्री प्राप्त हुई, तो वह हमारे लिए पवित्र धर्मस्थल होना चाहिए, पवित्र मंदिर जैसा पवित्र दिखना चाहिए। और वो पवित्रता का भाव जो हमारे मन में आएगा तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई मंजिल की ओर अग्रसर बढ़ने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करेगा। ये संस्थान कोई केवल जीवन केवल एक स्मारक मात्र नहीं होते हैं, ये केवल भवनों का एक टुकड़ा नहीं होता है, एक जीवंत स्मारक होते हैं जो हमें नित्य नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इस प्रेरणा का स्रोत हमारे पास जो कुछ भी होगा, हम अपनी उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक अवसर देखते हैं और एक तिथि होती है। मैंने जो बताया कि 50 साल का उम्र किसी भी संस्थान के लिए उपलब्धियों भरा होना चाहिए, और उपलब्धियों भरा तब होना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ मामलों में बहुत चीजें लगती हैं। इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की यहां पर चर्चा हुई और इंसेफ्लाइटिस के लिए मैं 1998 में मैं सांसद बना था गोरखपुर से। गोरखपुर की जनता ने मुझे गोरखपुर से सांसद बनाया और सांसद बनने के बाद जब मेरे संज्ञान में आया कि बिहारी मेडिकल कॉलेज में एक ही बेड में चार चार बच्चे लिटाए गए हैं, बड़ी दुर्व्यवस्था है, तो मैं आया था यहां पे। उस समय मैंने देखा था पार्लियामेंट में मैंने इस मुद्दे को रखने का प्रयास किया था, बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे मौका मिला था और बाद में फिर यह एक जन आंदोलन बनाया गया था। लेकिन निष्कर्ष पे तब भी हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। इन 40 वर्षों में मेरा मानना है कि बिहारी मेडिकल कॉलेज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हुई और इतने बड़े पैमाने पर मौत होने के बावजूद भी शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रहता। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंसेफ्लाइटिस जैसी इस इंसेफ्लाइटिस को ध्यान में रखते हुए, संचारी रोगों को ध्यान में रखते हुए 2016 में गोरखपुर आकर के गोरखपुर को एम्स दिया था। आज एम्स फंक्शनल हो चुका है, गोरखपुर का एम्स यहां पर चालू हो चुका है और यहां से शुरू होती है अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो। कौन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है, क्योंकि जो सुविधाएं बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो सुविधाएं एम्स में है उससे कम सुविधा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर नहीं है। उससे अच्छी सुविधा ही होगी, उससे कम नहीं होगी, लेकिन हम उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार तो करें, उसके अनुसार हमें तैयार होना पड़ेगा। और मुझे लगता है सीखने के लिए, जानने के लिए कोई दिन कम नहीं होता है, कोई क्षेत्र कम नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर दो चीजों का। एक, यहां पर मुझे अभी एक पत्र दिया गया है डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल जी द्वारा, डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल ने मुझे दिया है, जिसमें इन्होंने
यहां पर हिंदी में पुस्तक लिखी, मेडिकल की पुस्तक हिंदी में लिख के इन्होंने उपलब्ध कराया है। और ऐसे ही यहां पर एक पुनर्वा मेडिकल साइंस की हिंदी में प्रथम जर्नल, ये भी मुझे मेरे साथ में पकड़ाई गई है। और मुझे लगता है एक नया अनुभव ये कहता है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कोरोना कालखंड में लागू हुई है, वह भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मातृभाषा में, इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा में भी लिखने का अभ्यास करें। और ये दोनों उदाहरण हम सब के लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण है उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे, कार्य करते रहे। मैं सांसद था तो मेरे सामने इतनी फुर्सत थी कि मैं कभी कभी आंदोलन के लिए सड़कों पर निकलता था, शासन प्रशासन को घेरता था, संसद के हर सत्र में इस पर बहस कराता था, सरकारों को घेरता था। लेकिन जब 2017 में मुझे ही प्रदेश का दायित्व दे दिया गया तो मेरे सामने प्रश्न था कि आखिर अब तक तो मैं आंदोलन करता था, जिम्मेदारियों से भाग जाता था, अब क्या होगा। और मैं तब तक लगभग 20 वर्ष के आसपास आंदोलन के से इतना तप चुका था कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका था कि केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से ही नहीं होगा, ये अंतर विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। और मैंने लखनऊ में एक बैठक की थी, लगभग 9 विभागों को लेकर के मैंने एक बैठक की थी। हमने इसमें स्वच्छता पे फोकस किया, हमने उन घरों को चिन्हित किया जहां से इस प्रकार के मामले आए थे, उन गांवों को चिन्हित किया, वहां पर हम लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया, उन घरों में शौचालय उपलब्ध करवाया, उन गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पीएससी को, सीएससी को उनकी स्ट्रेंथनिंग की और सर्विलांस को भी मजबूत बनाने का काम किया। परिणाम हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस जुलाई से लेकर नवंबर के बीच, जिसकी आहट भर से ही तमाम परिवारों में कंपकंपी होती थी कि इंसेफ्लाइटिस से न जाने कौन बच्चा इस बार चला जाए, और जो ठीक भी हो जाता था वो शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार होता था। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज के अनुभव और प्रदेश सरकार की टीम भावना से जो कार्य किया गया उसका परिणाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक मॉडल है, ये अपने आप में एक मॉडल है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जब इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कार्य करने की जब बात आई थी, इसमें कैसे कार्य हो सकता है, तो मैंने उस समय इस फील्ड में क्या काम हुआ है और कौन इसको नियंत्रित कर सकता है। मेरे सामने वैक्सीन का भी आया था, उपचार का भी आया था, लेकिन अन्य क्या हो सकता है, एक भी रिसर्च पेपर मेरे सामने नहीं आया। और मैं यहीं से आपसे अपील करना चाहूंगा कि आखिर हम अपने डे टू डे के कार्य को करते हुए, पेशेंट को देखते हुए, एक एक मरीज हमारे लिए शोध का भी एक केंद्र होता है। हमारी तो प्रयोगशाला वही है, हम उसको भी ध्यान में रखकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम सब जानते हैं एलोपैथ में नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसका उपचार की तरीके तौर तरीके भी बदलते हैं। और प्रकृति और सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, या दो प्रकृति के बीच का है, कौन सा है, और उसी के अनुसार उसके उपचार के तरीके और उसके अनुसार वो भी बदलता है। आयुष में भी, आयुर्वेद में भी उपचार सीमित हो गए, शोध की प्रक्रिया बंद हो गई, लेकिन कोई रिसर्च पेपर ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज स्तर पर
या किसी अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के स्तर पर इस पर लिखने में क्यों कोताही बरती गई, क्यों हमने इसको क्यों उपचार तक सीमित रखा, अवेयरनेस के कार्यक्रम से क्यों हम लोग वंचित रहे। और मुझे लगता है कि एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा और खासतौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को, हमारे जो चिकित्सा शिक्षा के छात्र हैं, ये केवल बीआरडी मेडिकल कॉलेज और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी और लेबोरेटरी तक सीमित न रह करके इनको ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के भी वहां देखना चाहिए कि वास्तव में बीमारी का कारण क्या है। अगर पेशेंट उसी नगर से आ रहा है तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के छात्र वहां भी विजिट जाकर के करें, बीमारी का कारण क्या है, इन लोगों का रहन सहन क्या है, और फिर इसके संबंधित प्राध्यापक के नेतृत्व में रिसर्च पेपर लिखे जाए और बीआरडी मेडिकल कॉलेज इसे अपने उसके साथ जोड़ करके रखे। आप देखना, आपकी जब नैक की रैंकिंग होगी या किसी भी मूल्यांकन के साथ आप गुजरेंगे, आपकी रैंकिंग में बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए हर एक बीमारी के साथ, हर एक पेशेंट के साथ, या बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास मरीजों की कमी नहीं है लेकिन रिसर्च का अभाव है, पब्लिकेशंस का अभाव है, पेटेंट करने की दिशा में हमने क्या काम किया है इसका अभी अभाव यहां पर दिखता है। और इस दिशा में बेहतरीन प्रयास को आगे बढ़ाने का मैं आह्वान करूंगा। एक नंबर दो, मैं आह्वान करूंगा कि यहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जो पास आउट हुए हैं, ऐसे तमाम वरिष्ठ चिकित्सक यहां पर आए होंगे देश से भी दुनिया से भी, और उन सब का मैं आह्वान करूंगा, आप भी अपने अनुभव का एक रिसर्च पेपर इन लोगों को दीजिए। और मैं आयोजन समिति से कहूंगा कि वह सबका पब्लिकेशन करा करके उसकी प्रति राज्य सरकार को भी उपलब्ध करवाए, राज्य सरकार उन सुझावों को देखेगी भी और उनके अनुभव को भी देखेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सरकार एक ही अपेक्षा रखती है, और अपेक्षा यह रखती है कि अगर सरकार यहां पर अच्छी चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मंच दे रही है, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, तो बदले में दो अपेक्षाएं रखती हैं। एक अपेक्षा कि यहां से निकला हुआ चिकित्सक जहां भी शासन की व्यवस्था या उसकी अपनी व्यवस्था हो वहां इस फील्ड में बेहतरीन कार्य करे, और दूसरा वह इस फील्ड में आगे जाकर के नए नए शोध को, रिसर्च को आगे बढ़ाने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करे। अगर हमने चिकित्सा जैसे क्षेत्र में, चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य को बाधित कर दिया, हम पिछड़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार के कदम बढ़ाने पड़ेंगे, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और इस पर मैं आह्वान करूंगा कि आप सबके पास अपने अनुभव होंगे, आप सबके पास अपने जीवन का एक लंबा अनुभव हो चुका है, 50 साल कम नहीं होता है। इन 50 वर्षों के अनुभव पर आधारित अपना आर्टिकल लिखिए और चिकित्सा शिक्षा के लिए अपने अपने क्षेत्र को ध्यान में रख करके कुछ अच्छे आर्टिकल आप लिख के देंगे, हम लोग उस पर विचार करेंगे, सरकार के स्तर पर भी उस पर मंथन होगा, और फिर इस दिशा में क्या कार्यक्रम बढ़ाने हैं उस पर भी हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। तीसरा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन अच्छा विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, अब इससे एक प्रतिस्पर्धा हमारी खड़ी होनी चाहिए। आज आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अभाव नहीं है, फैकल्टी का अभाव भी नहीं है, और मैं चिकित्सा शिक्षा से भी कहूंगा, सबसे कहूंगा, हम वही पाठ्यक्रम प्रारंभ करें जिनमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, जिनमें हमारे पास फैकल्टी हो और पर्याप्त मात्रा में मैन पावर हो, और उन पाठ्यक्रमों को पूरी तन्मयता के साथ जोड़े, और जिस समाज के माध्यम से हम ये जानकारी ले रहे हैं उस समाज के प्रति भी हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अगर करना प्रारंभ करेंगे, बेहतरीन परिणाम आएगा। और मैं मानता हूं बेहतरीन केंद्र बन सकता है यहाँ पे नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है
देश के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज में संभव हो इस प्रकार का सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में है, सीआरसी गोरखपुर में है, हम इसका बेहतरीन उपयोग करें और हमारा प्रयास होना चाहिए कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसके अलावा आपने देखा होगा अगर इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई कारण नहीं कि आज के दिन पर मेडिकल हेल्थ के लिए कुछ भी असंभव, यानी हर चीज संभव हो सकती है और हर एक कार्य को संभव बनाने की दिशा में हमें अपने प्रयास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। एक चिकित्सक की विश्वसनीयता, उसकी पहचान होनी चाहिए, आम जनमानस में उसकी स्वीकार्यता, उसकी पहचान होनी चाहिए। मैं देखता हूं गोरखपुर में जब मरीज आता है, नेपाल से आता है, बिहार से आता है, नाम पूछ के आता है, मुझे फलाने डॉक्टर के पास जाना है, फलाना डॉक्टर अगर उस दिन उपलब्ध नहीं, वेट करता है होटल में, धर्मशाला में रूम लेकर के रहता है और डॉक्टर से फिर वापस दिखा करके कंसल्टेशन लेकर के दवा लिखा करके जाकर के अपना उपचार अपने घर में भी करा देता है। ये विश्वास है, ऐसा नहीं कि उस चिकित्सक ने अपना प्रचार कर रखा है, लेकिन जिस डॉक्टर ने अच्छा काम किया है, अपने फील्ड में पूरी मेहनत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ काम किया है, उसकी अपनी पहचान भी है और मुझे लगता है उस पहचान को आगे बढ़ाने का एक वक्त हम सबके सामने आया है। हमारी पहचान हमारे कार्यों के माध्यम से हो, हमारे द्वारा किए गए इस फील्ड में रिसर्च के माध्यम से हो, इस फील्ड में किए गए हम बेहतरीन उपलब्धियों के माध्यम से हमारी पहचान बने और उस दिशा में मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, रियाड़ी मेडिकल कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होनी पाए होने दी जाएगी, किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की कोई कमी रियाड़ी मेडिकल कॉलेज को नहीं होने देंगे। और आज के दिन पर तो राज्य सरकार जिस तरह में कदम बढ़ा रही है, पहले गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, आजमगढ़, कमिश्नरी में अकेले गोरखपुर में ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, यानी लखनऊ के पूरब में अगर आप आएंगे तो गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, वाराणसी में बीएचयू का अपना मेडिकल सेंटर था, या फिर प्रयागराज और बरेली में मेडिकल कॉलेज थे, कानपुर में थे, झांसी और आगरा में था, मेरठ में था, यही तो पुराने मेडिकल कॉलेज थे। और कितना अच्छा अवसर आज यहां पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महाराजगंज में पीपीपी मोड पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के एक नया मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा चुके हैं, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अंबेडकर नगर में प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज पहले ही संचालित हो चुका है, यानी इतने मेडिकल कॉलेज एक साथ यहां पर बन चुके हैं और अब हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना ही होगा। और इस दिशा में जो लोग पुराने चिकित्सक हैं, जो यहां से निकले हैं, उन लोगों की एक नई जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ की फैकल्टी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इस माहौल को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, राघवंश का यह एक संकल्प होना चाहिए कि अब तक हमने बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई, सीमित संसाधनों में यहाँ पर लोगों की, बच्चों की जान को बचाने के लिए मैंने अपनी आंखों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को मेहनत करते हुए देखा है, सीमित साधन थे तब भी वे मेहनत करते थे। और मैं देखता था इंसेफ्लाइटिस का वार्ड तीसरे मंजिल पे था, वहां पंखे नहीं चलते थे, 1998-99 में जब मैं आया था पंखे नहीं थे, कोई एसी की बात तो दूर, पंखे नहीं थे, बदबू थी। और उसके
उसके बीच में स्वयं भी जब मई जब जुलाई अगस्त के महीने में वहां पहली बार देखने के लिए आया था, मेरे साथ 5-7 लोग और थे, उन सबको भी वहां की बदबू और वहां पर गर्मी के कारण चक्कर आने लग गए थे। मुझे अपना गमछा अपने मुंह पे बांधना पड़ा था और उस बीच डॉक्टर वहां काम करते थे, दुर्व्यवस्था थी। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है, आज तो एक बेड पर एक ही पेशेंट है, बेहतरीन सुविधा हुई है, इसको हम और बेहतरीन करने की समय अब हमारे स्तर पर शासन के स्तर पर शासन ने इसको और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया है, उसको हम अपने कार्यों के माध्यम से बीआरडी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले शोध के माध्यम से एक नई ऊंचाई ले सकते हैं और वह शोध यहां से प्रारंभ हो, यहां से कार्यक्रम आगे बढ़े। ये चीजें अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वह एक नई पहचान बीआरडी मेडिकल कॉलेज को देगा। आप सभी लोग यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गोरखपुर में रहते हैं, बहुत सारे चिकित्सक ऐसे होंगे जिनको कई वर्षों के बाद गोरखपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उन सभी को गोरखपुर में आगमन पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज पूरे दिन भर में लोग यहां रहें, दिन भर यहां रहें, देखें यहां के मेडिकल स्टूडेंट के साथ बातचीत करें, संवाद करें, कुछ टेक्निकल सेशन चले, उनके बीच में अपने अनुभव को शेयर करें, कुछ नए कार्य योजना के साथ देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है इस दिशा में उन्हें प्रेरित करें और उसका केंद्र बिंदु बीआरडी मेडिकल कॉलेज बन सके, इसके बारे में भी उनके द्वारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका आगमन बीआरडी मेडिकल कॉलेज की दिश से, गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दिश से अच्छा हो, शुभ हो, इस दिश से मैं स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं उन सभी चिकित्सकों का जो आज जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच के पास आउट हैं और दूसरा अन्य जो थे जिनकी सिल्वर जुबली का भी आयोजन होने जा रहा है, वे यहां पर मुझे बताया गया कि 25 चिकित्सक वे भी हैं, यहां पर 32 वे चिकित्सक आए हैं जो पहले बैच के हैं। आप सोचिए 32 वे लोग आज भी पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं जिन्होंने 1972 में यहाँ एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई प्रारंभ की थी, 32 लोग आज भी पूरी मजबूती के साथ इस क्षेत्र में रह करके काम कर रहे हैं। मैं इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और बाबा गोरखनाथ से ही प्रार्थना करता हूँ कि वे इन्हें स्वस्थ और दीर्घ जीवन दें, लंबे समय तक स्वास्थ्य क्षेत्र को इनका इनकी सेवाएं प्राप्त होती रहें और इनका मार्गदर्शन हमारे नए छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आयोजन समिति को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं। लोकल प्रशासन ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साथ बेहतरीन समन्वय करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, इसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि यहां पर आने वाला एक एक जो चिकित्सक है उस वक्त बहुत दिनों के बाद आए होंगे, स्वाभाविक रूप से वे गोरखपुर के अतिथि हैं, तो अतिथि के रूप में उनका स्वागत और उनका अभिनंदन करने का अवसर यहाँ के प्रशासन को प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्र बिंदु के रूप में इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आपदा शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या
धन्यवाद आलोक सर, आपके शब्द हम सबके लिए उत्साहवर्धक है। बैच बहुत भाग्यशाली है जिसको इतने निकट से योगी जी के साथ तस्वीर मैं डॉक्टर स्मिता जायसवाल हूँ, मैं गोरखपुर में ही हूँ, लाइफ केयर हॉस्पिटल है मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भावुक भी हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर कि इतने किसी से 45 साल बाद मिले हैं, वही अपनी यंग डेज की बातें याद आ रही है। और ये लग रहा है जब हम लोग आए थे कोई साधन नहीं था, पर कैसे हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज को ग्रो होते देखा है और आज इस लेवल पे है, तो बहुत खुशी हो रही है उसको देखकर। बचपन में कार्यकाल के बारे में बता दीजिए। मैंने 1972 में फर्स्ट बैच में एडमिशन लिया था, तो जिससे मैं एडमिशन लिया था यहाँ कुछ नहीं था, एक सिर्फ गौतम हॉस्टल था। और जिससे मैं आए हम लोग एडमिट होके, तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर कर दिया कि कोई बाहर नहीं जाएगा। जैसे आए थे वैसे ही रुक गए, किसी भी डे स्कॉलर को बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। और यहाँ से पॉलिटेक्निक जाते थे पढ़ने, बीच में रास्ता बिल्कुल सुनसान होता था, रिक्शे मिलते थे लड़कियों के लिए उसी से जाते थे। वहाँ हमारे जो मेस वाले थे मिस्टर अजीजुल्ला, वो खाना लेकर आते थे। बट वो जो 2-3 साल जो लाइफ को इन्जॉय करा और खूब जम के पढ़ाई करी, वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। आज मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला, आपको क्या कहना? बहुत अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत किया है, हम लोग वाकई तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं कि इस मेडिकल कॉलेज को उन्हें छोटे से लेकर अब इतना बड़ा बना दिया है। डॉक्टर राकेश जलोटा, लखनऊ से हृदय रोग विशेषज्ञ। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि आज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से 1972 में मैंने एडमिशन लिया था, 76 में पास हुआ, और मैं इस लायक हूँ कि मैं यहाँ पर आया और योगी जी ने आके हम लोग को बहुत आशीर्वाद दिया। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत ही आनंदित हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानचंद दुबे है, मैं इस समय भी लखनऊ में, मैं एक IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। ये आयोजन बहुत ही अभूतपूर्व आयोजन है, ख़ास करके हमारे पूर्वांचल के लिए, कि जब हम पीछे मुड़ के 50 वर्षों के पूर्व में क्या था और इस समय क्या है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर मैं पाता हूँ। वो किसी भी क्षेत्र में हो और ख़ास करके चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर, और पिछले कुछ वर्षों में मैं कहूँगा कि 1-2 दशकों का ये जो प्रयास है, उस प्रयास में हमारे यहाँ पे जो यहाँ पर आए दिन जो है छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जाती थी इनकेफ्लाइटिस वगैरह से, या और तरह की जो जैसे घेघा है, फाइलेरिया है, और वर्म का जो है कीड़ों का, पेट में कीड़े होते थे उनका जो है इलाज ठीक से नहीं हो पाता था, वो सब सारी बीमारियों का अब यहाँ के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा BRD मेडिकल कॉलेज के खास करके बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कैसा लगा आपको? मुख्यमंत्री जी के साथ में जो है हमें ऐसा लगा कि जैसे जो है वो हमारे लिए एक दूत बन के आ गए हैं, और इस पूर्वांचल के लिए तो ख़ास तौर पर उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकर सेठ है और मैं पहला प्रोफेसर हूँ इस कॉलेज का जिसने यहाँ ये सब शुरुआत करवाई थी। समारोह बहुत अच्छा हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया है,
रीना मेरी स्टूडेंट है पहले बैच की, और मुझको बहुत खुशी है इस बात की कि उसके संचालन में ये प्रोग्राम इतना अच्छा आयोजित हुआ और उसने इसको बहुत सुंदर तरीके से करवाया। आज मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। जी, मैं पहला पर्सन हूँ जिसने इस मेडिकल कॉलेज के एज टीचर ज्वाइन किया था 26 जुलाई सन 1972 को। तब कुछ भी नहीं था, ना हॉस्टल थे, सिर्फ एक गौतम हॉस्टल की बिल्डिंग तैयार थी। राजेंद्र हॉस्टल के 30 कमरे, मुझसे उम्मीद की जा रही थी कि मैं एज वार्डन लड़कियों को उधर और लड़कों को इधर संभालूं। मैं जिम्मेदारी तो पूरी लेने को तैयार था, लेकिन मैंने कहा कि लड़कियों की सेफ्टी वहाँ नहीं होगी, इसलिए एक ही हॉस्टल में नीचे कर्मचारी, बीच में टीचिंग स्टाफ, टॉप फ्लोर पर लड़कियाँ और बाकी हॉस्टल में, गौतम हॉस्टल में लड़के, और दीवारों को लगा करके बीच की स्पेस को बंद कर दिया गया था। शायद पहला एग्जाम्पल ये है जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक ही हॉस्टल में रह रहे थे। अपनी पूरी भरसक प्रयत्न करके समस्याओं को झेलते हुए और बच्चों का सहयोग लेते हुए कॉलेज की शुरुआत हुई। आज फल फूल रहा है, छोटा सा वृक्ष आज बड़ा वृक्ष बन चुका है, और आगे फलता फूलता रहे, यही मेरी शुभकामना और यही मेरा आशीर्वाद इस जगह के लिए। इसी क्रम में मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि जिस दिन हम लोगों ने इस मिडिल कॉलेज में कदम रखा, मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, तो वहाँ पर अगर कोई था जो हम लोगों का संज्ञान लेने वाला, हमारा संरक्षण करने वाला, तो वो डॉक्टर सेठ साहब थे और हमारे डॉक्टर पीएल शुक्ला थे। ये राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कॉलेज ये शुरू से ही रहे हैं, और इन्होंने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को, अनुशासन कैसे रहा जाता है, कैसे पूरा कॉलेज, लड़के लड़कियां, स्टाफ, फोर्थ क्लास, सब एक परिवार की तरह से रहे हैं, और उस परिवार की अनुभूति होती थी। ये बहुत ही हम सभी के लिए गौरव की बात है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अपने 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। इसमें 1972 के 32 छात्र आए, और उन सभी ने बहुत ही आनंद की अनुभूति की, और ये महसूस किया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है, और ये सत्यता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा, हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मतलब जो पठन पाठन में हो, चाहे पीजी की सीट के विषय में हो, चाहे बेड्स के विषय में हो, चाहे कोविड के प्रबंधन काल में मतलब बीआरडी की अहम भूमिका रही हो, चाहे जेई और एईएस के प्रबंधन रही हो, बहुत ही मतलब जो ज़बरदस्त काम किया है बीआरडी ने। और इस स्वर्ण जयंती समारोह पर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी आए, हमारे राज्य मंत्री माननीय श्री वेंकटेश्वर शरण सिंह आए, ये सब आकर के हमारे बच्चों के बीच में उनकी उपस्थिति से हम लोग बहुत अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में हुए सम्मिलित, गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना, मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, रविवार को प्रहता जनता दर्शन करने के उपरांत बलिया के लिए करेंगे प्रस्थान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले सीएम योगी, कहा बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है सरकार। शोध चिकित्सकों की जिम्मेदारी, लैब व लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रहे मेडिकल स्टूडेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पता लगाएं बीमारियों का कारण, रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बाधित किया तो बिछड़ जाएंगे हम। हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पारण के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आंवला पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सहभोज का किया गया आयोजन। परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर की उपस्थिति में होता है सहभोज। गोरखपुर के उद्यमियों व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद, कहा गोरखपुर सिर्फ एक शहर का नहीं है नाम, गोरखपुर है व्यापार का बड़ा केंद्र, गोरखपुर को बनाएंगे निवेश का बेहतरीन गंतव्य।
और पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसक के तत्वाधान में 4 से 10 नवंबर तक खेली जा रही 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 प्रतियोगिता के दूसरे दिन पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व रेलवे और दक्षिण रेलवे ने जीते अपने अपने मैच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पारण के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में साधना भवन के सामने स्थित आंवला पेड़ के नीचे सहभोज का आयोजन किया गया। सहभोज में मुख्यमंत्री एवं गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष गोरखनाथ मंदिर में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के बाद पारण हेतु द्वादशी के दिन दोपहर में आंवला पेड़ के नीचे गोरख पीठाधीश्वर की उपस्थिति सहभोज का आयोजन होता है। सहभोज में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, राजेश त्रिपाठी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, गोरखपुर व्यापार का बड़ा केंद्र है। यहाँ जितना बिजनेस पूरे देश में कहीं और नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार आदि के लिए करीब 7 करोड़ लोग गोरखपुर पर निर्भर हैं। इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। बदलते गोरखपुर की नई तस्वीर में सबको अपना योगदान देना है। सरकार की मंशा गोरखपुर को निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनाना है। यहाँ की उद्यमी का और व्यापारी निवेश करेंगे तो बाहर के निवेशक भी यहां आने के लिए प्रेरित होंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाना होगा। CM योगी NXC भवन के सभागार में उद्यमियों व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों संग संवाद कर रहे थे। उद्यमियों व व्यापारियों के सुझावों को इत्मीनान से सुनने के बाद उन्होंने कहा कि गोरखपुर और हम सब की पहचान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप सब ने 5.5 साल में बदलते गोरखपुर को देखा है। NCR को छोड़ दें तो जितना निवेश गोरखपुर में हुआ है वह कहीं और नहीं दिखता। 8600 करोड़ से बना खाद कारखाना, 1100 करोड़ से बना एम्स, BRD मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के साथ ही गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। गोरखपुर वह शहर है जहां एक ही क्षेत्र में एम्स व मेडिकल कॉलेज की सुविधा है। यह चिकित्सा सुविधाओं का हब बन गया है। विकास के तमाम बड़े बड़े कार्य हुए हैं। सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण, चिड़ियाघर का निर्माण जैसे कार्य विकास की कहानी बताते हैं। रोड कनेक्टिविटी के साथ ही यहां शानदार एयर कनेक्टिविटी भी है। गोरखपुर से प्रमुख शहरों के लिए 14 फ्लाइट फुल होकर चलती है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के संग विकास की प्रक्रिया के साथ व्यापार भी तीव्र गति से आगे बढ़ा है। CM योगी ने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर पहले हम सड़कों पर आंदोलन करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शानदार एवं सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की पहली शर्त है। इसके साथ ही सुरक्षा व पर्याप्त बिजली की उपलब्धता भी इसके महत्वपूर्ण अंग है। ये सारी सुविधाएं शासन की तरफ से दी जा रही हैं। इन सुविधाओं का बेहतरीन उपयोग कैसे करें, इसके लिए हमें खुले दिलों दिमाग से कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गोरखपुर के उद्यमियों व व्यापारियों को आमंत्रित करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि निवेश की संभावनाओं को देखते हुए वह लैंड बैंक मजबूत रखें। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों के जो निवेशक पहले डर के कारण यूपी में आना नहीं चाहते थे, वे आज यहां बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 अक्टूबर को उन्होंने नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का शुभारंभ किया। इससे डाटा तो सुरक्षित होगा ही, 39,000 करोड़ रुपए का निवेश भी प्राप्त हो रहा है। CM ने यह भी बताया कि 1 नवम्बर को
लखनऊ में उनकी उद्यमियों से मुलाकात हुई थी। उन उद्यमियों ने 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग को शानदार बनाना होगा, अन्यथा कमज़ोर पैकेजिंग से हमारे उत्कृष्ट उत्पाद भी बाजार में पिछड़ जाएंगे। पहला इम्प्रेशन पैकेजिंग का ही पड़ता है और पहला इम्प्रेशन ही दिलो दिमाग में रहता है। उन्होंने बताया कि पैकेजिंग की महत्ता को देखते हुए उन्होंने MSME विभाग को पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कई योजनाएं पूरे देश में नायाब हैं। यहां की ODOP योजना को केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी लागू करने को कहा है। यूपी से निर्यात में 1.56 लाख करोड़ रुपए का योगदान ODOP का रहा है। इसी तरह यूपी की मिशन शक्ति और अभ्युदय कोचिंग योजना भी देश में नज़ीर बनी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश में 2 नंबर पर है। सरकार हर सेक्टर के लिए बेहतरीन नीति ला रही है, इससे निवेश के साथ राजस्व और रोजगार भी बढ़ेगा। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी खुशखबरी भी दी। उन्होंने बताया कि वह लखनऊ से गुड़धुइया नाला, देवरिया बाईपास, 4 लेन और TP नगर पेडलेगंज ओवर ब्रिज को मंजूरी देकर यहां आए हैं। इससे जल निकासी और सुगम आवागमन की बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम योगी ने उद्यमियों व व्यापारियों से स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ने और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों व व्यापारियों के सहयोग से ऑपरेशन त्रिनेत के तहत चौराहों पर लगवाए जा रहे CC कैमरे की सराहना करते हुए कहा कि इससे अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग से गोरखपुर पूरे देश में कम खर्च में सेफ सिटी का शानदार मॉडल तैयार कर सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमी को खुद प्रेरित कर उनसे सुझाव मांगा। पैकेजिंग उद्योग से जुड़ी संगीता पांडे ने बताया कि 1500 रुपये से शुरू उनका कारोबार आज करोड़ में है। उन्होंने CM से घरेलू महिलाओं को उनके खाली समय में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने संगीता पांडे की सराहना की और उनके सुझाव के अनुसार महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाने की बात कही। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश देश के नक्शे पर चमक रहा है। 2017 के पूर्व प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट थी, उद्योग व व्यापार लायक हालात नहीं थे। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था में आमूलचूल सुधार किया। यहाँ के सुदृढ़ कानून व्यवस्था की पूरे देश में चर्चा है। व्यापार के लिए सुरक्षा के साथ ही मुख्यमंत्री ने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। गोरखपुर में तो विकास कार्य अभूतपूर्व है। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष SK अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की GDP 90.48 लाख करोड़ रुपये है। 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से दुगनी बढ़कर 95,000 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि GIDA की स्थापना 1989 में हुई थी, लेकिन 2017 तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद GIDA का जबरदस्त विकास हुआ है। GIDA में हाल के दिनों में 4,000 करोड़ रुपये का नया निवेश हुआ है। यहाँ गारमेंट पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और प्लास्टिक पार्क की स्थापना हो रही है। यही नहीं, 8600 करोड़ रुपए के स्थापित खाद कारखाना भी सीएम योगी के प्रयासों की देन है। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से गोरखपुर में MediCity भी बनने जा रही है। इससे लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएँ तो मिलेंगी ही, दवा व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होगा। प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी अतुल सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में क्राइम खत्म हो गया है और सुविधाएं बढ़ी हैं। कारोबारी निश्चिंत होकर व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के बारे में सोचना व्यापारियों का भी दायित्व है। सुपरिचित कपड़ा कारोबारी शंभू शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराध व अपराधियों पर लगाया गया लगाम सराहनीय है। पहले हम जहाँ जुगनू से डर जाया करते थे, आज सीएम योगी की छत्रछाया में सूरज से भी आंख मिलाते हैं। गैलेंट समूह के CMD चंद्रप्रकाश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर व प्रदेश के विकास की चर्चा करते हुए नई औद्योगिक नीति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति नई निवेश परक है। इस नीति में सुरक्षा है, ईमानदारी है, सहयोग है, हम सभी उद्यमियों को निवेश करने को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि कभी अविकसित व कुख्यात रहे गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वे सपने भी पूरे हो रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी। इस अवसर पर रवि किशन शुक्ल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अजीसरिया, पूर्व अध्यक्ष SK अग्रवाल, उद्यमी अशोक जालान,
चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष अनूप किशोर जायसवाल, सिंधी अकादमी के सदस्य नरेश बजाज, प्रमोद कुमार टेकड़ीवाल, चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल के अध्यक्ष राजेश निबानी समेत बड़ी संख्या में उद्यमी और व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष मणिनाथ गुप्ता, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, गोरखपुर टेंट व्यवसायी संघ के महामंत्री संजय श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा। मणिनाथ गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल, गोरखपुर। आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है कि गोरखपुर के अपने शहर के माननीय मुख्यमंत्री जी व्यापारी और उद्योगपतियों के साथ एक बैठक आज किए हैं, जो है जिसमें हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय यह है जो है कि उन्होंने कुछ विषयों पे जो है को कुछ विषयों को उन्होंने बताया है जो है कि व्यापारियों के लिए और उद्योगों के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो बुनियादी चीज़ों को उन्होंने समझा है। और उसमें जो है प्रदेश सरकार के द्वारा जो इस समय उद्योग नीति जो अभी जारी की गई है उसमें गोरखपुर को विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है और गीडा के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, व्यापार के विकास के लिए, इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा किया जो है। और चूँकि महाराज जी हमेशा व्यापारियों के साथ हमेशा बैठते रहे हैं, जो है शुरुआती दिनों में व्यापारी समस्याओं को लेकर के हम लोगों के बीच बैठते रहे हैं और हम लोगों ने व्यापारी आंदोलनों में उनके साथ हमेशा अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया है, इसलिए हमारी छोटी से छोटी समस्याओं को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और उन समस्याओं के साथ साथ शहर का कैसे विकास हो, प्रदेश में शहर की अपनी क्या भूमिका हो जो है, इन सभी विषयों पे चर्चा की गई है जो है। मैं योगेंद्र दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। आज गोरखपुर के विकास के लिए असल में इन्वेस्टर समिट एक फरवरी में होने वाली है लखनऊ में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह है
कि गोरखपुर के जो उद्यमी है, व्यापारी है, चाहे वो छोटा व्यवसाय करना चाहते हो, चाहे बड़ा व्यवसाय करना चाहते हो, जो इन्वेस्ट उन्होंने का छोटा से छोटा इन्वेस्ट, बड़ा से बड़ा इन्वेस्ट अपने जिले को और अपने प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो उनका ये आह्वान था व्यापारियों से कि आप निवेश में समिट में आइए, आप एक को खुला माहौल मिलेगा, एकल विंडो सिस्टम मिलेगा, किसी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं होने जाएगी और उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर भी बुलंदी पर पहुँचे। और यहाँ सफाई के लिए भी उन्होंने उम्मीद किया कि सब लोग शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें और इन्वेस्टमेंट की तैयारी करें, जिस भी स्तर पर जो चाहेगा, तमाम फूड पार्क हैं अभी और रेडीमेड गारमेंट में है, एक आध लोगों ने प्रस्ताव दिया पैकेजिंग के लिए है, तो जिस भी स्तर पर डेवलपमेंट हो सकता है हम तैयार हैं, आप आइए और मिलके पूरे गोरखपुर को और उत्तर प्रदेश को बुलंदियों पर ले जाएं, जिससे उत्तर प्रदेश के साथ देश में गोरखपुर का नाम हो। और आप बहुत सक्षम हैं और आप बहुत कैपेबल हैं और आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से गोरखपुर आगे बढ़ेगा। और उन्होंने आह्वान किया है हमको तैयारी करने के लिए, उन्होंने बोला है। संजय श्रीवास्तव, महामंत्री गोरखपुर मरेजाओ से सुसन का और पार्षद हासूपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी उद्यमियों को और व्यापारी संगठन की एक बैठक इस सेनेक्सी भवन में किए हैं। 2023 में लखनऊ में समिट होगा व्यापारियों का, तो मेन फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि गोरखपुर के भी व्यापारी या उद्यमी उस समिट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अपना उद्योग लगाएं, ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो, गोरखपुर का औद्योगिक में भी विकास हो, गोरखपुर के उद्यमी भी बड़े बड़े पैमाने पर अपना उद्योग लगाएं। सरकार, प्रदेश सरकार उसका जो भी लोन देना चाहेगी वो लोन देगी, हर प्रकार समिट होगा और उसमें अपना उद्योग लगाए। इसी संबंध में ज़्यादा फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का था। हम व्यापारियों के साथ आज महाराज जी ने एक उद्योग बंधुओं के साथ और तमाम शहर के व्यापारी, अलग अलग संगठनों के लोगों को, करीब 22 संगठन थे, उनके साथ उन्होंने एक अच्छी वार्ता की और तमाम व्यापारियों से सुझाव भी मांगे कि व्यापार जगत में क्या कमी है, क्या बेसी है, उसके बारे में भी गोरखपुर के विकास के बारे में उन्होंने चर्चा किया। और गोरखपुर के विकास बारे में आज महाराज जी ने जो 5.5 साल के अंदर जो विकास किया है वह हर आदमी जान रहा है कि पहले क्या था और आज क्या है। और गोरखपुर में व्यापार भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ है। हम लोगों को कनेक्टिविटी जो है, तमाम चौड़ी 4 लेन की सड़कें जो पहले यहाँ से लखनऊ तक थी, आज चारों तरफ, चाहे बनारस हो, चाहे देवरिया हो, कुशीनगर हो, हर तरफ जो है लखनऊ हो, हर तरफ 4 लेन है। और आज अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है देवरिया बाईपास जो है वो भी रोड 4 लेन होने जा रही है और ओवर ब्रिज जो है वो भी बनने का, नौसर से लेकर के और आगे तक जो है उन्होंने अभी सैंक्शन कर दिया है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सड़कों को भी कहा है कि हम जो पुरानी बस्ती हैं उनकी सड़कों को भी हम चौड़ा कराने में पूरा सोचेंगे, और ताकि व्यापार जो है पुरानी बस्तियों में जो व्यापार आज जो है कम हो रहा है, गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, सचमुच व्यापार बाधित है, तो उसके ऊपर उन्होंने जो बात कही वह बहुत ही प्रशंसनीय है और उनका हम स्वागत करते हैं। और सब व्यापारियों के बारे में उनकी एक अच्छी सोच, समय निकाल करके जो आज वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम था कि शिक्षकों के बीच, उसके बाद जो समय बचा वह आज उन्होंने व्यापारियों के साथ 2 घंटा बिताया है और जो अपने अनुभव बताए और जो व्यापारियों के साथ शेयर किया, क्योंकि तमाम बहुत से उन्होंने बताया कि जो यूपी में हम जो है बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए लोगों, उद्योगियों को, उद्यमियों को बुलाए हैं और यहाँ बहुत यूपी का विस्तार होगा, तो ऐसा सोच जो है महाराज जी का हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और महाराज जी के सोच से ही आज उत्तर प्रदेश इतना विकास कर रहा है और हम सब गोरखपुर जो देख रहे हैं, आज गोरखपुर 2017 के पहले क्या था और आज गोरखपुर क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। चाहे आप एम्स देख लीजिए, फर्टिलाइज़र देख लीजिए, चिड़ियाघर देख लीजिए और यहाँ पर आपके तारामंडल में
किस तरह से सुंदरीकरण हुआ है, यह सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आज महाराज जी की जो पहल है आम जनता के लिए बहुत ही सराहनीय है, हम उसका स्वागत करते हैं। और GST में भी जो उन्होंने एक बहुत बड़ा हम लोगों को उपलब्धि दिया है कि जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन रहे, भले ही 40 लाख से कम का टर्नओवर रहे, लेकिन वो अपना रिटर्न भरते रहें, जीरो मतलब प्रॉफिट से करते रहें। उनको भी अगर कभी कोई कैजुअल्टी होती है तो उसमें 10 लाख रुपए का उनको इंश्योरेंस बीमा जो है उसका लाभ मिलेगा, और वो बहुत बड़ा चीज़ है व्यापारियों के लिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री को पा करके हम सभी व्यापारी बहुत गदगद हैं और उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं, उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आम जनता में जो लोकप्रियता उनकी है हम सब उसका भी बहुत स्वागत करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, और ईश्वर इसी तरह से योगी जी महाराज को हर कार्य में आगे बढ़ावे और जनता की सेवा में अग्रसर रहे। जय हिंद, जय व्यापारी। आज महाराज जी डेवलपमेंट को लेके विकास की यात्रा कैसे होगी, उद्यमियों के साथ की कैसे, और इसको गोरखपुर को कैसे और हर तरीके से रोजगार से लेके निवेश से लेके कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज राजधानी के रूप में गोरखपुर उभर के आया है, तो इसकी विकास की गति में कहीं कमी ना हो, यही सारी बातों पर चर्चा। नगर निगम चुनाव उसके बारे में हाँ, नगर निगम चुनाव उसकी तैयारी करेंगे, लेकिन आज सिर्फ उद्यमियों पर पूरा ध्यान। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के तत्वाधान में 4 से 10 नवंबर तक सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में खेली जा रही 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 तेज प्रतियोगिता के दूसरे दिन पूर्वोत्तर रेलवे एवं मध्य रेलवे के बीच खेले गए मैच के पहले सेट में पूर्वोत्तर रेलवे ने मध्य रेलवे को 25-22 से, दूसरे सेट में 25-16 से तथा तीसरे सेट में 25-13 अंकों से हरा कर शानदार जीत दर्ज की है। पूर्वोत्तर रेलवे के कप्तान शिवेंद्र सिंह, अतुल सिंह, सौरभ सिंह, रोबिन एवं नवीन बालियान ने अपने आक्रामक खेल से दर्शकों की वाहवाही लूटी, जबकि मध्य रेलवे के कप्तान गगनदीप सिंह ने अपने स्मैश से टीम के लिए निरंतर अंक जुटाए। अन्य मैचों में पूर्व तटीय रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे को 25-20, 25-21, 25-20 से हराया, जबकि उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को 25-13, 25-12, 25-15 अंक से पराजित किया। दक्षिण मध्य रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 25-10, 25-12, 25-15 से शिकस्त दी, जबकि दक्षिण पश्चिम रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे को 25-15, 25-20 एवं 25-17 से हराया तथा रेलवे सुरक्षा बल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 25-14, 25-11, 25-17 से पराजित किया। पूर्व रेलवे एवं BLW के बीच खेले गए मैच में पूर्व रेलवे ने BLW को पहले एवं दूसरे सेट में 31-29 एवं 25-14 से हराया, परंतु तीसरे राउंड में BLW ने अथक प्रयास करके रोमांचक मुकाबले में पूर्व रेलवे को 26-24 से शिकस्त दी। इस प्रकार पूर्व रेलवे दो सेट जीतकर इस मैच की विजेता बनी। दक्षिण रेलवे एवं पश्चिम रेलवे के बीच खेले गए मैच में दक्षिण रेलवे ने पश्चिम रेलवे को 25-16, 25-18, 25-14 से हराया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 6 नवंबर को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एवं दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे एवं दक्षिण मध्य रेलवे, BLW एवं रेलवे बोर्ड, उत्तर पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे एवं BLW, पूर्वी सीमांत रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे एवं RPF, पूर्व रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे तथा मध्य रेलवे एवं पूर्व तटीय रेलवे के बीच मैच खेला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में हुए सम्मिलित। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। रविवार को प्रहता जनता दर्शन करने के उपरांत बलिया के लिए करेंगे प्रस्थान। BRD मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले CM योगी, कहा बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है सरकार। शोध चिकित्सकों की जिम्मेदारी, लैब व लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रहे मेडिकल स्टूडेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पता लगाएं बीमारियों का कारण। रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बाधित किया तो बिछड़ जाएंगे हम।
हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के पारण के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आंवला पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सहभोज का किया गया आयोजन। परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर की उपस्थिति में होता है सहभोज। गोरखपुर के उद्यमियों व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। कहा, गोरखपुर सिर्फ एक शहर का नहीं है नाम, गोरखपुर है व्यापार का बड़ा केंद्र, गोरखपुर को बनाएंगे निवेश का बेहतरीन गंतव्य। और पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसक के तत्वाधान में 4 से 10 नवंबर तक खेली जा रही 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 प्रतियोगिता के दूसरे दिन पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व रेलवे और दक्षिण रेलवे ने जीते अपने अपने मैच। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।